तो वो इंजेक्शन की वजह से होता होगा मे भी। 9:05-2 बजे हैं, हम अभी निकल रहे हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है थर्सडे और अभी हुए हैं इवनिंग के लगभग 8:15 होने वाले हैं और मैं हुई हूँ रेडी। तो कौन बोलेगा ये 20 इयर्स ओल्ड ड्रेस है मेरी, कुर्ती ओल्ड है, बाकी लेगिंग्स तो अभी न्यूली है। तो आज मैं रेडी हुई हूँ बाजार जाने के लिए, क्यों तो मेरा 20 अक्टूबर को बर्थडे है, जैसे आप सबको पता है। अभी तो 20 अक्टूबर तक आपको रोज़ सुनना ही सुनना पड़ेगा, मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ अपने लिए ड्रेस लेने, आज शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो पहले तो नहीं जा रही थी, आज इंजेक्शन लगी, फाइनली आज 5th डोज मेरा कंप्लीट हो गया। तो जिस दिन इंजेक्शन लग रही है ना, उस दिन मैं बहुत वीक हो रही हूँ बहुत, तो ऐसा लग रहा है मुझे मैं वीक पड़ी हूँ, मैंने नींद भी की है। तभी भी इनको लग रहा था भाई तूने ऐसा नींद नहीं किया, ऐसा लग रहा है। मैंने बोला नहीं नींद की है, थोड़ी एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था उठने से, नींद में से अभी नहीं हो रहा है, तो इंजेक्शन की वजह से होता होगा मे भी, तो वीक थोड़ी लग रही हूँ मैं। तो ये बोल रहे थे चल आज काजल भी, पापा मम्मी को लेकर चलते। उस दिन भी ऐसा गई थी होटल में खाने के लिए ट्यूसडे को, तो उस दिन भी मेरी इंजेक्शन लगी थी, ये दोनों बाहर घुमाने लेके चले। आज भी ये दोनों बोले अभी कितने दिन ही पड़े, थोड़े दिन ही तो पड़े, 4-5 दिन पड़े, मम्मी लेके आओ ड्रेस, काजल बोले जी फिर कभी निकलेंगे, कल भी फ्राइडे है, मे बी लाइट का झंझट होगा या क्या है, कल लाइट है कि नहीं है, तो आज होके आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। अभी को बोला है मैंने थोड़ी देर में आ जाओ, आ जाएंगे वो जैसे ही फ्री होंगे काम से, तो आ जाएंगे। शॉप तो खुले हैं यहाँ पे 10 बजे तक, यहाँ से ही मैं लेके आऊँगी, तो आएंगे तो साथ में जाएंगे। और काजल बैठी है कल के वीडियो के एडिटिंग पे, वो भी अभी जस्ट थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा, बाकी आके बाद में फिर पोस्ट करेंगे। हो गया है पहले देखूँ क्या आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है समझ में, जाऊँगी तो पता चलेगा। जब वेट में बैठती हूँ, खड़ी नहीं रह पा रही हूँ, आती हूँ बाजार से, देखूँ थोड़ा मूड चेंज हो जाती है। उस दिन भी ऐसे में गई होटल में खाने के लिए तो मूड चेंज हो गई, तो आज भी जाऊँगी तो मूड चेंज हो जाएगी, थोड़ा होके आती हूँ। और ड्रेस का जो बोली थी कौन सी वेस्टर्न वगैरह पहन के चलो मम्मी लेने के लिए, ड्रेस लेने के लिए अच्छी ड्रेस, मैंने बोला जाने दे, ये देख घर की ड्रेस है, हल्की है एकदम से, लाइट वेट है, लेगिंग्स है, मुझे कंफर्टेबल लगेगी घूमने में। शॉपिंग करने जाओ तो कंफर्टेबल होके जाओ तो शॉपिंग अच्छी होती है। खुद इतनी में प्लाजो वगैरह ये सब पहन के चलूँ तो मुझे पहनने में चलने में प्रॉब्लम होगी, इसे बोला मैंने ये दे, इसमें गर्मी भी नहीं होगी और ये ड्रेस मुझे बहुत ही पसंद है, इसके लिए तो मैंने अल्टर करा के रख दी। 20 इयर्स हो गए लेकिन इस ड्रेस को मैं छोड़ नहीं रही हूँ, तो अल्टर करा के बार बार पहनती रहती हूँ। अब इसके बाद मैं अगर मोटी हुई तो ये अल्टर होने वाली नहीं है। और आ भी क्यों रही है, क्यों तो वेट लॉस हुआ है तभी आ रही है, तो ये पहनी मैंने ड्रेस। तो आए तो जाते, नाश्ता तो नहीं खाया है, ये आए थे वैसे भी इवनिंग में, मैं नींद में से उठी तो थोड़ा केक वगैरह मैंने खाया, फिर चावल पड़े हैं राइस, आफ्टरनून में बनाए थे मैंने चावली और राइस। काजल बोले मम्मी मैं बना के दे रही हूँ आप नहीं उठो, चावल राइस में जैसे मैं राई का तड़का नहीं राइस में दे के बनाती हूँ, तो काजल बोले मम्मी मैं बना के दे रही हूँ आपको, तो काजल बना के देगी, मैं खा के फिर निकल जाऊँगी। और काजल खुद के लिए वेफर्स लेके आएगी नीचे जाके, बट थोड़ा ही रह गया है वीडियो, वो जल्दी से अपना एडिटिंग करके खुश हो रही है, वो तो वैसे भी रेडी बैठी है, बोले हाँ मम्मी चलते चलते जल्दी से हो जाएगा वीडियो, होके घूम के आते हैं तो हो जाए काजल का, तो फिर नाश्ता खा के फिर निकलती हूँ, हो सके जितना हो सका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी मैं जो ड्रेस लूँगी वो तो मैं सस्पेंस ही रखूँगी, वो सीधा आप बर्थडे के ब्लॉग में देखेंगे, बर्थडे के दिन आपके साथ शेयर करूँगी मैं कौन सी पहनी है। बाकी हो सके थोड़ा बहुत मैं शूट करूँगी बाज़ार में, ऐसा नहीं है जहाँ से शॉपिंग करूँगी, मैं थोड़ा बहुत शूट करूँगी वहाँ पर, जितना हो सका शूट करने की कोशिश करेंगे काजल और मैं। बाकी होके आते हैं, शॉपिंग करके आते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, क्या है नसीब में, बहुत कुछ सोचा है मैंने, देखते हैं मिलता है कि नहीं, जिस हिसाब से मुझे चाहिए वो ड्रेस मिलती है कि नहीं मिलती है, क्यों तो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, जो मिला लेना पड़ेगा, क्यों तो ऑनलाइन तो मैंने शॉपिंग की ही नहीं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े देख के मैंने कुछ नहीं लिया ऑनलाइन से, अपनी हेल्थ के इशू की वजह से मैं बैठ गई, कुछ भी शॉपिंग नहीं की। कब से 1 तारीख को काजल ने देखा था मैं, मम्मी देख लो क्या चाहिए आपको लहंगा वगैरह, फिर अब ये बोलते तुझे सिलाना है तो भले, अगर लहंगा पहनने का मन है तो भले लेके तू सिला ले, स्टिच करा ले। मैंने बोला जाने दो, वो काजल बोले मम्मी बर्थडे पे लहंगा कौन पहनता है, आपको तो सोचता ही ऐसा है, आपको तो ऐसे ही दिन दिमाग में चलता है मैं लहंगा पहनूं, मैं ड्रेस पहनूं, मैं साड़ी पहनूं, वेस्टर्न पहनूं, वेस्टर्न। तो अभी देखूं
क्या पसंद करती है ये मेरी गुड़िया, जो उसने पसंद किया आह वो ही लेके आऊंगी। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में नाश्ता खा के। के 9 बजे हैं और अभी आ चुके हैं, अभी चल रहे हैं घूमने के लिए। देखे क्या लेके आते हैं। तो बोले मैं हाथ मुंह धो लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, फिर चलते हैं। मैं और काजल तो रेडी है, वीडियो भी लगभग एडिट हो चुका है, बस आके पोस्ट करना है। अब पता नहीं अब कितनी देर लगती है, 9:52 बजे हैं, हम अभी निकल रहे हैं, तो कितनी देर होगी तो देखते हैं। ये बोल रहे हैं ये ड्रेस पहन के चलेगी बाजार में। मैंने बोला हाँ हल्की है, यही पहन के चलूंगी, वाइट ड्रेस इनको पसंद ही नहीं आ रही है, क्या वाइट ड्रेस पहन के चल रही है। कुर्ता तो ठीक है लेकिन लेगीज वाइट, चुनी भी वाइट है इसके ऊपर। बोले वाइट कैसे पहन के चलेगी, मैंने जाने दो हल्का है तो यही पहन के चल रही हूँ। तो बस ये अभी फ्रेश हो गया है तो निकलते हैं। अभी 10:30 बजे हैं और मैं बाजार से होके आई, बहुत टाइम हो गया क्यों, तो एक ही मेरी ड्रेस देखने में ही इतना टाइम हो गया।
बाद में मुझे और भी शॉपिंग करनी थी लेकिन मैंने नहीं कर पाई। मैंने इनको बोला मैं थक गई हूँ, नहीं खड़ी रह पा रही हूँ, चलो घर पे चलते हैं। बस उतना वहाँ से इन्होंने ऑटो किया है, मैं नहीं खड़ी रह पा रही है, सीधा चली आई। क्यों तो ड्रेस में ही मुझे चूज़ करने में ही टाइम लग गया, तो और शॉपिंग रह गई, अभी दिवाली पे ही करूँगी, अभी नहीं, अभी बस हो गया, मेरे से हो भी नहीं रहा है बाजार इतना जाना। तो अभी बिग बॉस भी चालू हो गया है, फटाफट से ये देख रहा है बैठ के, और मैं खाना बना ले रही हूँ फटाफट से, मूंग और रोटी, क्योंकि तो हल्का भी है मेरे लिए बेस्ट है। तो मैंने इनको बोला मूंग और रोटी खा लो फटाफट बन जाएगा, तो मैं टाइम वेस्ट ना करके लग जाती हूँ खाने पे। रोटी काजल बना रही है, मैं बेल के आई हूँ, बस काजल फटाफट देती जाएगी। मूंग भी रेडी हो चुके हैं और अभी मैं आई हूँ जस्ट लेटने के लिए। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, बहुत गर्मी हो रही। मैं वहाँ पे भी मैं गई हूँ, मुझे बहुत गर्मी हो रही थी, आज बारिश बंद हुई है तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तो काजल ही बना रही है, मैं गई हूँ थक, मूंग फटाफट बना लिए और रोटी भी बना ली, अभी तो खाने भी बैठे, बस मेरा काजल लेके आएगी तो खा रही हूँ मैं भी। साढ़े 12 बजे हैं, खाना खा लिया है मैंने और अब जा रही है, मेरी हेल्थ ख़राब होती क्यों तो ऐसा हो रहा है। ये हीमोग्लोबिन की जो इंजेक्शन लग रही है ना मुझे, मैं बिल्कुल नींद के नशे में जा रही हूँ पूरा दिन, और शांत हो रही हूँ बिल्कुल, साइलेंट ऐसे लग रहा है, मैं चुप हूँ और मुझे नींद आ रही है ज़्यादा। मैं सोई भी हूँ 1 घंटा आफ्टरनून में, बट बाहर जा रही हूँ ना तो ठीक लग रहा है। अभी ये बोल रहे तू बाहर चल घूमने, डेली चल, थोड़ा एक्टिवा पे राउंड लगा के आ, थोड़ा बाहर ठीक लगेगा, और घर में बैठ रही हूँ ऐसा लग रहा है, बट ऐसे करूँगी थोड़ा राउंड लगा के आऊँगी, बाहर जा रही हूँ तो खुश होके आ रही हूँ, ऐसे ठीक लग रहा है, बट नींद आ रही है और शांत हो गई थी बिल्कुल भी कितनी देर तो मैं। और मैंने जो ड्रेस ली है इतनी मस्त ली है, मैं वहाँ पे शॉप पे खड़ी थी ड्रेस लेने, लेकिन वहाँ पे बहुत लोग थे, मैंने शूट नहीं किया, मैं शूट करने वाले थे हम लोग वहाँ पे जहाँ से ड्रेसेस ले रहे थे, बट नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कहीं पे गई शॉपिंग करने तो उसी शॉप पे गई तो मैं दोबारा शूट करूँगी, बट मैं बहुत ही मस्त लेके आई हूँ ड्रेस बर्थडे के लिए। तो मैं अभी वो पहन के देखूँगी, ट्राई करके देखूँगी ब्लॉग एंड करके कैसे लग रही है मुझे, और मैं आपको तो अभी नहीं दिखाऊँगी वो ड्रेस, सीधा बर्थडे पे मैं पहनूँगी तब आपको शो करूँगी, बर्थडे पे ही पहनूँगी सीधा। ये ड्रेस मैं सस्पेंस रखूँगी, मैं शो नहीं कर रही, बट बहुत ही अच्छा लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छा, पहनने के बाद पता चलेगा कितना अच्छा लग रहा है मुझे, तो पहन के देखूँ अभी, तो वही वेट कर रही हूँ कब का मैं पहन के सीधा मैक्सी पहन लूँगी आज। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ बिल्कुल, न नाइट सूट न क्या कुछ, मैं मैक्सी पहन लूँगी आज, मैक्सी पहन के थोड़ा रेस्ट करूँगी, अच्छे से नींद करूँगी, और कल रात से एक टेंशन हट जाएगा मेरा, जो मेरी टेबलेट चालू थी पहले वाली वो वापस चालू हो जाएगी। कल 10 डेज पूरे हो गए, इंजेक्शन तो मेरी 5th डोज पूरे हो गए, बाकी जो टैबलेट है उससे मुझे बहुत ही बढ़िया फील लगता है, अच्छा लगता है मुझे, वो हैबिट है लेने की बहुत सालों से, तो वो बंद थी तो मुझे प्रॉब्लम हो गई थी बहुत। कल रात को जब वो लूँगी मैं 10 बजे के बाद खाना खा के, परसों मुझे ठीक लगेगा, कल भी थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, परसों से मुझे एकदम नॉर्मल लगेगा। मैं अपना आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, होप आप सबको पसंद आया हो, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ, ज़्यादा ना बोल पाऊंगी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।